अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, हंसता बस्ता मुस्कुराते रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज के वीडियो का आगाज़ होता है जो मॉर्निंग व्यूज़ है, और ये वीडियो है थर्सडे की। थर्सडे मॉर्निंग में मैंने ये व्यूज़ जो है वो कैप्चर किए थे, और मैंने कहा कि चलें ईयर एंड होने वाला है तो कुछ अच्छी सी कुकिंग भी कर लेते हैं। और मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी होता है 29 दिसंबर को, बट हमने थर्सडे था उस दिन, तो मैंने बस प्रिपरेशन कर ली थी, और जो सेलिब्रेशन थी छोटी मोटी सी हमने फ्राइडे को की थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंग्रेडिएंट सेपरेट कर लिए थे। मैं बनाऊँगी बारबेक्यू प्लेटर जिसमें है तुर्की शदाना कबाब, साथ में पैरी पैरी चिकन स्क्यूअर्स और टिक्का था, तो टिक्का बोटी। तो खैर सब कुछ तवे पे बना था, तो बहुत इंटरेस्टिंग सी रेसिपीज हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने देखे एक बड़ी शिमला मिर्च ले ली है, साथ में मीडियम साइज़ का एक ऑनियन लिया है। इन दोनों को हम सेपरेट लिया है, जो ग्राइंड कर लेंगे, चॉप कर लेंगे। देखिए मैंने ये हैंड ब्लेंडर जो होता है ना उसमें कर लिया था। इससे ये फ़ायदा होता है कि बहुत ही फाइन साइज़ का जो पेस्ट बन जाता है या प्यूरी अब समझ लो बन जाती है, क्योंकि मैंने इसको ग्राइंड करके स्ट्रेन करना था, ताकि जितना भी वाटर है ना इसमें से सारा स्ट्रेन हो जाए, ताकि आपके कबाब जो है वो अच्छे से स्मूथ से बने। और यह कि इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी था, यकीन करें हाफ कप जो था इसमें से पानी निकला था, तो मैंने स्ट्रेन कर लिया। खैर इसको एक साइड पर रख लिया। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम बना लेंगे पेस्ट। अगर आप चाहें तो ग्रीन चिलीज़ का और गार्लिक का अलग से भी बना सकते हैं। ग्रीन चिलीज़ 4 अदद लिए हैं मैंने, और गार्लिक क्लोव्स 8 to 10 लिए हैं, बड़े साइज़ के थे, तो इनका भी मैंने पेस्ट बना लिया। आप चाहें तो सेपरेटली भी इनका पेस्ट बना सकते हैं, या सेपरेटली इनको ग्राइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम बना लेंगे, ये जो फर्स्ट रेसिपी है तुर्की शदाना कबाब की मैरिनेशन है, तो मैंने कहा आपसे ये सेपरेटली शेयर करूँ। सबसे पहले मैंने 750 ग्राम जो है वो कीमा ले लिया है, उसमें मैंने ऐड किया 1 टीस्पून भर के सॉल्ट। सॉल्ट आप टू टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में हमने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए 1 टीस्पून। उसके साथ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च है वो भी तकरीबन 1 टीस्पून ऐड कर लिया। अगर आप चाहें तो मसालों को एडजस्ट कर सकते हैं इनकी क्वान्टिटी को अपने टेस्ट के मुताबिक। इसके बाद यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब हमने जो है लेमन जूस फ्रेशली स्क्वीज था वो मैंने ऐड किया इसमें। नेक्स्ट मैंने इसमें ऐड कर लिया है जो हमने गार्लिक पेस्ट बनाया था और ग्रीन चिली पेस्ट, ये तकरीबन मिला के ना 2 टेबल स्पून के करीब बनता है, तो ये मैंने ऐड कर लिया है। फ्रेशली स्क्वीज किया हुआ जूस और ये जो फ्रेशली ग्राइंड किए मसाले आप डालेंगे ना तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। मसाले मीन्स जो ग्रीन चिली है और लहसुन है। यहाँ पर जो हमने ऑनियन को और रेड कैप्सिकम थी उसको जो चॉप किया था स्क्वीज किया था वो ऐड कर दिया, और साथ में चॉप्ड कोरिएंडर या पार्सले लीव्स अगर आपके पास हो तो वो यूज़ कर सकते हैं। इस रेसिपी की जो है वो पार्सली ऐड करना था, बट मेरे पास पार्सली नहीं था तो मैंने कोरिएंडर, ग्रीन कोरिएंडर जो हरा धनिया होता है वो ऐड कर लिया है। अब इन सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितना अच्छा आप मिक्सचर बनाएंगे ना इतने अच्छे आपके कबाब बनेंगे, और इस मिक्सचर को आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेना है, जैसे हम गूंथते हैं ना समझे उस तरह से कर लेना है, क्योंकि ये कीमा है और ये कीमा होममेड है, मैंने घर में बनाया है, और घर में जब हम कीमा बनाते हैं तो बहुत ही फाइन सा चॉप्ड होता है, तो इसमें मसाले मिक्स करने में ना थोड़ा सा आपको एफर्ट लगती है ताकि सब कुछ यकजान हो जाए। इसको क्लिंग रैप से रैप करके मैं ओवरनाइट फ्रिज में रख दूँगी। नेक्स्ट जो रेसिपी है वो है पैरी पैरी चिकन स्क्यूअर्स की, यानी कि पैरी पैरी टिक्का कैसे रखते हैं आप। सबसे पहले पैरी पैरी सॉस बना लेते हैं। मैंने ये जो सूखी लाल मिर्चें होती हैं राउंड वाली थी मेरे पास, अगर आपके पास दूसरी हो तो भी चल सकती है, उनको तकरीबन 12 से 13 लेके ओवन में कर लिया था, इनको थोड़ा सा स्टीम कर लिया था 1 मिनट के लिए ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे हम सॉस की तैयारी करने लगे हैं, तो सबसे पहले एक मीडियम साइज़ का अनियन ले लिया मैंने, उतने ही साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ले ली थी रेड कलर की, और साथ में ये गार्लिक क्लोव्स ले थे तकरीबन 10 से 12, तो इनमें ऐड कर लेंगे हम ये कोरिएंडर पाउडर, साथ में हम ऐड करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट टू टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, बाद में एडजस्ट भी कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून के करीब डाला था कि ज़्यादा हो जाए, मैंने इस तरह से डाला है, बट आप मेयर करके डालिएगा प्लीज़। यहाँ पे हम मिर्चें डाल लेंगे, दोनों किस्म की पेपरिका पाउडर डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च डाल लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी स्पाइसी सा सॉस होता है, इसका कलर भी रेड होता है, तो इसलिए रेड चिलीज़ जो है वो जाती हैं इसमें। पेपरिका पाउडर का ही होता है कि उसमें काफ़ी अच्छा कलर होता है। मैं पेपरिका थोड़ा कम यूज़ करती हूँ, मेरे पास जो पेपरिका वो स्वीट है, इस वजह से मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करती हूँ, बट कश्मीरी लाल मिर्च का भी जो कलर ना वो इतना रेड नहीं है, आई डोंट नो वाई। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून के करीब शुगर भी ऐड कर लिया। इसके साथ यहाँ पे ऐड किया है मैंने ओरिगानो, ओरिगानो जो है वो 1 टीस्पून के करीब ऐड किया है मैंने। इसके बाद यहाँ पे वाइट विनेगर ऐड किया मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, साथ में जो फ्रेश लेमन जूस था वो ऐड किया है 3 टेबल स्पून,
और एक टेबल स्पून यूज़ किया मैंने यहाँ पे लेमन जेस्ट, एक लेमन ले लिया था मैंने उसको, जिसका येलो पार्ट होता है उसको मैंने कद्दूकश कर लिया था, और वाइट पार्ट आप ट्राई करेंगे इसमें अवॉइड करें, अदरवाइज़ जो है वो कड़वा हो जाएगा। साथ में एक चौथाई कप जो सा था मैंने 1/4 कप ऑलिव ऑयल यूज़ कर लिया है, और ये जो हमने सूखी लाल मिर्चें ओवन में रखे इन्हें थोड़ा सा स्टीम किया था वो भी ऐड कर लेंगे, जो इसमें पानी है उस समेत। और फिर इनका जो है इस मिक्सचर को हम एक चॉपर में, ग्राइंडर में, ब्लेंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे, ऐसे फाइन सी एक पेस्ट बना लेंगे। तो ये हमारा पेरी पेरी सॉस जो है वो रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं, बट अगर फ्रीज़ करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं सॉरी, तो आपको इसे थोड़ी देर पकाना पड़ेगा, 5 से 10 मिनट, और फिर आपने इसको जो है वो ठंडा होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रीज़ कर लेना है, स्टोर कर लेना है। यहाँ पे चिकन ले लिया मैंने, तकरीबन ये भी 750 ग्राम्स है, और इसमें ऐड कर लिया है सॉल्ट टू टेस्ट, मैंने 1/2 टीस्पून के करीब सॉल्ट ऐड किया, और साथ में मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पे रेड चिली पाउडर ऐड कर लिया है, और साथ में टोमेटो पेस्ट आप ऑप्शनल अगर आपके पास हो तो यूज़ करें। मेरे पास टोमेटो पेस्ट नहीं था तो मैंने ऐड कर लिया था यहाँ पे केचप 1 टेबल स्पून के करीब, और फिर हमारे पास जो पेरी पेरी सॉस है हमने ये ऐड कर लेना है। मेक श्योर कि आपके चिकन में पानी नहीं हो, अदरवाइज़ जो है वो पेरी पेरी सॉस वो चिकन पे स्टे नहीं करेगा, लाइक अच्छे से चिकन के ऊपर नहीं लगेगा। तो मैंने वाटर स्क्वीज़ किया था चिकन को अच्छे से वॉश करके, बट क्या होता है कि बाजार पे भी पानी रह जाता है, तो मैंने इसे अच्छे से कोशिश की थी कि ड्राई हो जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, तो ये भी हमारा जो मैरिनेशन है ये डन हो चुका है। इसे भी मैंने एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दिया था ओवरनाइट। तो नेक्स्ट जो रेसिपी है वो है नॉर्मल चिकन टिक्का बोटी की। सबसे पहले हम ले लेंगे इसमें योगर्ट, जो चिकन टिक्का मसाला मिलता है ना मैंने वही यूज़ कर लिया था, या टिक्का बोटी जिसे कहते हैं। जस्ट मुझे एक वैरायटी बनानी थी स्क्यूअर्स की, और मैंने कहा कि चलें जो बाहर का रेडीमेड मसाला वो यूज़ कर लेते हैं। साथ में मैंने जो है इसमें ना थोड़े से घर के मसाले भी ऐड कर लिए थे, तकरीबन 1 कप के करीब दही लिया है मैंने। फिर इसमें मैं ऐड कर लूँगी रेड चिली पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च आप ऐड कर सकते हैं, वो ऐड कर लेना है हमने। साथ में ही थोड़ी सी जो पेपरिका पाउडर है वो मैंने ऐड किया है, थोड़ा सा ज़ीरा इसमें ऐड करना है, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करना है, थोड़ा गरम मसाला, और फिर जो टिक्का मसाला था वो भी मैंने यूज़ कर लेना है। चिकन की जो क्वांटिटी है वो सब रेसिपीज में तकरीबन 750 ग्राम्स to 1 kg है। हम सिर्फ 4 लोग थे, हस्बैंड की बर्थडे थी तो साथ में उनके फ्रेंड्स को भी खाना भेजा था, तो तकरीबन 5 से 6 लोगों के लिए खाना था, बट काफ़ी ज़्यादा स्क्यूअर्स बन गई थी। थोड़ी सी हल्दी भी मैंने इसमें ऐड कर ली है, और मैंने इसमें ऑरेंज या येलो फूड कलर भी ऐड किया था जो टिक्का में होता है उसके लिए। तो ये अच्छे से मसाला जो है हमारा रेडी हो चुका है, और मैं इसमें ऐड करूँगी अभी चिकन हमारी। चिकन को मैंने वॉश कर लिया था और तकरीबन मीडियम साइज़ की बोटी कर ली थी, बहुत बड़े बड़े पीसेस नहीं किए थे। और मुझे कभी कभी लगता है कि शायद ये अच्छे से कुक नहीं होगा, बट ऐसा नहीं होता, बहुत अच्छे से ना ये तवे पे या पैन में बहुत अच्छे से कुक हो जाता है। अगर आप स्क्यूअर्स पे या बारबेक्यू पे नहीं भी बनाना चाहते तब भी बहुत ही मज़े का बन जाता है। बस इसको हम अच्छे से मिक्स करके फिर रख लेंगे। सब चीज़ों को मैंने ओवरनाइट रख दिया था फ्रिज में क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे बनाना था। अगर आप उसी दिन मैरिनेशन करना चाहते तो आप सुबह में कर सकते हैं, शाम में बना लें फॉर बेटर रिजल्ट। सॉल्ट मैंने ऐड नहीं किया था पहले, तो अभी मैंने सॉल्ट भी ऐड कर लिया था, थोड़ा सा मैं टेस्ट भी कर लेती होती हूँ कि कुछ मसला ना हो जाए। तो ये नेक्स्ट डे है जी, यहाँ पे मैंने जो स्क्यूअर्स हैं तुर्की शदाना कबाब, इनको स्क्यूअर्स पे लगा लिया। स्क्यूअर्स जो है मैंने घर पे बना ली थी, जो वुडन स्टिक्स होती हैं स्क्यूअर्स उनको मैंने आपस में जोड़ के फॉइल लगा लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जो थिक चौड़ी वाली स्क्यूअर्स चाहिए थी। वैसे तो नॉर्मल स्क्यूअर्स पे भी ये बन जाता है, तो इनको मैं थोड़ा सा शैलो फ्राई करूँगी। आप देखें ऑयल ना होने के बराबर है, बस मैंने तवे को जो है ग्रीस किया है क्योंकि इस चिकन में ऑलरेडी थोड़ा बहुत फैट था, तो मुझे ये था कि ये उसके साथ अच्छे से पक जाएंगे। तो यहाँ पे ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है कुकिंग का, तकरीबन सिर्फ 15 मिनट लगे थे और बहुत ही जल्दी तुर्की शदाना कबाब रेडी हो गए थे, बहुत ही मज़ेदार से बने थे, काफ़ी अच्छे लगे थे मेरे हस्बैंड को, भाई को, सबको बहुत पसंद आए थे। नेक्स्ट ये जौन सी है ये स्क्यूअर्स वो टिक्का बोटी की हैं, और साथ में ही यहाँ पर मैंने जौन सा है ये पेरी पेरी चिकन स्क्यूअर्स भी रेडी कर ली थी, तो ये भी इनके साथ मैंने शिमला मिर्चें प्याज जो मेरे पास अवेलेबल थे लगा लिए थे। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तुर्की शदाना कबाब बन के रेडी हो चुके हैं, आप देखें कितने ही अच्छे लग रहे थे। और बाकी की ये जो पेरी पेरी चिकन है ये भी यहाँ पर रेडी हो, पेरी पेरी चिकन की जो बोटियाँ उनको मैं मीडियम से थोड़े बड़े साइज़ में रखा था, बट ये है कि इनको भी पकने में 15 से 20 मिनट लगे थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थे स्क्यूअर्स।
यहाँ पे मैं इनकी साइड को ना चेंज करी थी लाइक एक एक दो दो मिनट के बाद, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बहुत ज़्यादा डार्क कलर आ जाए। बस इनकी साइड को अच्छे से चेंज करना है, आपने इनको चारों साइड से पकाना है, फिर ये अच्छे से रेडी हो जाएंगी क्विकली, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। मैं दो दो पैन यूज़ कर लिए थे ताकि जल्दी मेरा काम हो जाए। आपको पता है जब इस तरह की सेलिब्रेशंस होती हैं तो आपको खुद भी रेडी होना होता है और फिर बाकी टेबल वगैरह भी सेट करना होता है। मैंने आपके लिए नेक्स्ट क्लिप ऐड कर दी है, जब मैं अपने हस्बैंड के ऑफिस के लिए खाना पैक कर रही थी वो भी मैंने ऐड कर दिया, और साथ में ही मैंने ऐड कर दिया कि हमने इनको सर्व कैसे किया था। सर्व मैंने किया था जी नॉर्मल बिरयानी के साथ, लाइक सादी बिरयानी बनानी थी, मैंने पूरा बिरयानी का प्रोसेस जो था वही फॉलो किया था। बस उसमें चिकन मटन बीफ या किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं थी, बहुत ही अच्छे से सिंपल से मैंने राइस बनाए थे आप देखें, बिरयानी राइस, और फिर इसके ऊपर जो हमने वो अपने स्क्यूअर्स जैसे जितने भी कबाब थे उनको ऐसे सेट कर दिया था। साथ में मैंने सैलेड वगैरह कुछ नहीं बनाया था, बस रायता बनाया था, और सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था इस मील को। और ये है जी वो प्लेट्स जो मैं रेडी करके हस्बैंड के ऑफिस भेजी है। तो मेरी आज की वीडियो यहीं पेंट होती है, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह हाफिज़।